Good morning 10th class. Today's our topic is excretory system. As you know that excretory system comprises of the kidney, urethra, urinary bladder and the urethra. And the kidney is a bean shaped. It is a main part of our body that expel out all the waste from our body. Kidney has each kidney has 150 gram weight and it is present at the abdomen in the back side of our uh, our stomach and the we have a kidney kidney is a small structure and the functional unit is nephron N one nephron structure is like as that and after that when the all the waste separate or filtrate in it it the urine come out through the urethra and all the urine collected in the urinary bladder यूरेंडल ब्लडर्स मसल स्ट्रेस्ड वेन इट फील्ड कम्प्लीटली जब ये पूरा का पूरा भर जाएगा इसमें वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो अपने आप ही क्या होती हैं हमें मैसेज देती हैं हमारे सिग्नल तो हमारे ब्रेन के तक सिग्नल पहुंचाती है वी हैव टू पास द यूरिन जब हम हम क्या करते हैं यूरिन को पास आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द यूरेथ्रा बट इट इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें कि हमारा यूरिन है जो जितने भी वेस्ट होते हैं वो सारे के सारे इसमें से ए, फिल्टर हो जाते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आपको ट्यूबलेक्स स्ट्रक्चर नज़र आ रही है दैट इज़ एफरेंट एटरियोल एफरेंट का मतलब होता है आना और ईफरेंट का मतलब होता है जाना देखिए एफरेंट यहाँ से ब्लड आता है ये हमारा एक फ़िल्टर यानी कि हमारा एक क्या है ये हमारा इधर यहाँ पर एक फ़िल्टर जैसे कि हम चाय छानते हैं और हमारे पास एक सीव होती है यानी कि छन्नी होती है वहाँ पर चाय पत्ती ऊपर रह जाती है लेकिन जो हमारी चाय होती है वो हमारी नीचे आ जाती है अब हमारे पास क्या जितना भी हमारा वेस्ट होता है यहाँ पर रह जाता है और ईफरेंट एट्रियोल की हेल्प से वो सारा का सारा इस ट्यूब से चला जाता है अब यहाँ पर जितना भी हमारा जाएगा यहाँ पर हमारे शुगर हमारे मिनरल हमारे विटामिन सारे के सारे हमारे वहीं पर रह जाएंगे ब्लड में और जो हमारा वेस्ट होगा वो हमारा बोमन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके बाद हमारा एक टर्मिनेट हो रहा है प्रोक्सिमल कॉन्वेटर टिब्यूल के अंदर यहाँ पर हल्की सी एब्जॉर्प्शन होती है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इसकी वॉल उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को दोबारा से लेकिन उसके बाद ये लूपो फैनले में जाता है लूपो फैनले इज अ स्ट्रक्चर लूप लाइक स्ट्रक्चर इट हैज अ डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले इट इज अ ट्रांसवर्स लूपो फैनले एंड इट इज असेंडिंग लूपो फैनले इन दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रोन मोस्ट ऑफ द Reabsorption of the nutrient, water, salt occur after that, all the फिल्टर्ड यूनिट कम इन टू द डिस्टल कॉन्वर्टिव ट्रिब्यूल एंड इट कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट यू सी दैट इट हैज मैनी डक्ट इसका मतलब ये कि ये एक ही यूनिट नहीं होती है एक किडनी के अंदर कम से कम दस लाख नेफ्रोन यूनिट होती है और वो छोटी ही छोटी सारी की सारी नेफ्रोन यूनिट इस कलेक्टिंग डक्ट से मिलकर हमारा ये कहाँ पर कम होती है यहाँ किडनी के अंदर और हमारा यूरिन इसके थ्रू यहाँ पर हमारे रेल ब्लैडर में आ जाता है अब यहाँ पर देखिए वासा रेक्टा है क्या वासा रेक्टा इज अ सिमिलर लाइका लूपोफ एन ले एंड इन इन इट यूरिन इज प्रेजेंट इन इट ब्लड इज प्रेजेंट हेयर री एब्जॉर्बशन ऑफ द ग्लूकोज एंड साल्ट टेक प्लेस सो दैट इफ द जैसे कि आपने सुना होगा uh, किसी पर्सन के मुंह से अपने आपके घर में कोई बड़ा होगा एंड ही सफ़र फ्राम या शी सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ हाउ हमें कैसे पता चलता है और ये हम डायबिटीज़ कैसे हम सफ़र करते हैं जब हमारा ये फिल्टर पॉइंट हमारा ये डैमेज हो जाता है और हमारे ग्लूकोज है जो हमारे यूरिन के अंदर पास आउट होना शुरू हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वी आर सफ़र फ्रॉम ग्लूकोज़ ग्लूकै ग्लूकोसीमिया या फिर हम किसे डायबिटीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं तो बच्चों कल फिर दोबारा मिलेंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ एक नए टॉपिक के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं